दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट थ्री स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यानी भारत में विश्व विरासत स्थल। इसके दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उन्हें, तो आप उन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, उसे आसानी से देख सकते हैं। पार्ट थ्री स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इसमें हम 10 हेरिटेज कवर कर लेंगे। और टोटल मैंने आपको बताया था कि 38 या 38 हेरिटेज ही हैं, तो इस प्रकार से ये सेकंड लास्ट पार्ट है और इसके बाद पार्ट फोर आएगा और उसमें हम 8 कवर करके इस तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया टॉपिक कवर हो जाएगा, जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधा पार्ट थ्री पर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया या भारत में विश्व विरासत स्थल। तो 21 पे है कुतुब मीनार। हम सभी जानते हैं इसको यूनेस्को के द्वारा 1993 में शामिल किया गया था और भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अब बात कर रहे थे इसकी, अगर इसकी हाइट की बात करें तो 72.5 मीटर, या कहीं कहीं आपको इसकी हाइट 73 मीटर या 73 मीटर्स भी आपको मिल जाती है। तो बात करें इसको बनाने की, तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 में शुरू किया गया था। हालांकि उसकी डेथ हो गई थी और तो उसके बाद 1210 में उसकी मृत्यु के बाद इसका निर्माण 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया जाता है। तो लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 1199 से लेकर 1230 तक, 1229 में कवर हुआ, तो 30 साल इसे लगभग लगभग बनने में लगे। हाइट 72.5 या 72.5 या कहीं कहीं 73 मीटर हम कह सकते हैं इसकी हाइट। इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा और भी चीज़ें शुरू करवाई गई थी, जैसे 28 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। 1199 में ही इसे भी शुरू कराया गया था और 1229 में बनके तैयार हुआ। लगभग 30 साल लगे इसे बनने में। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था क्योंकि 1210 में घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन, तो हम सभी जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसने ही करी थी और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये हो गया कुतुब मीनार, जो 1993 में शामिल किया गया, दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे, 22 पे। 22 नंबर पर है माउंटेन रेलवेज। माउंटेन रेलवेज यानी पहाड़ी रेलवे कह सकते हो इसको। 1999 में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीन राज्यों में जो पहाड़ी एरिया है, यानी हमें पता है पश्चिम बंगाल में माउंटेन रेलवेज है दार्जिलिंग की, और हिमाचल प्रदेश में शिमला की जो रेलवे है जिसे हम कालका शिमला कहते हैं, कालका शिमला लाइन जो है, एक वो लाइन हो गई। और तमिलनाडु में नीलगिरी हमें पता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसके पास ही स्थित है वेस्टर्न घाट, वो नीलगिरी, तो उसी पर है नीलगिरी रेलवे, ठीक है। तो ये शामिल किए गए थे। और बात करें तो इन तीनों को ही, यानी पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश की शिमला और तमिलनाडु की नीलगिरी की जो लाइन है माउंटेन रेलवे की, इन तीनों को ही एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। 23 पर है महाबोधि मंदिर या महाबोधि टेम्पल। इसे यूनेस्को के द्वारा 2002 में शामिल किया गया। बिहार के गया में स्थित है ये। और बात करें इस महाबोधि टेम्पल की, तो यह जो स्थान है ना, ये महात्मा बुद्ध के महाज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। यानी महात्मा बुद्ध को महान ज्ञान की प्राप्ति या एनलाइटमेंट इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ पर एक वृक्ष है, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इस स्थान पर बोधगया में एक वृक्ष लगाया हुआ है, हालांकि जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी एनलाइटमेंट हुआ था, लेकिन वो वृक्ष है नहीं, उसकी जगह एक डुप्लीकेट टाइप का लगा रखा है, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे। और एक छोटी सी बात और बताता हूँ इसमें, आपने देखा होगा बुद्ध पूर्णिमा पे जो प्रसाद दिया जाता है वो खीर दी जाती है, दूध से और चावल से भरी हुई खीर दी जाती है, जो बुद्ध पूर्णिमा प्रसाद होता है। ऐसा क्यों है, तो बात यह है जब महात्मा बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई थी,
वृक्ष के नीचे बैठ के जब महाज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो एक जंगल से एरिया था ये जहाँ पर ये पेड़ वेड़ थे। तो यहाँ जब महात्मा बुद्ध को प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, तो यहाँ पर एक बालिका कह सकते हो या एक महिला आया करती थी, अपनी बकरी को चराने आया करती थी। मतलब कहते हैं ना पशुओं को घुमाने के लिए बकरी को चराने आया करती थी। तो जब हुई थी तो महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, तो तपस्या करने के बाद, क्योंकि जब हम तपस्या कर रहे हैं या लंबे एनलाइटमेंट में ध्यान में चले गए हैं, तो सिंपल सी बात है हम एक तरीके से उपवास रखते हैं, उस वक्त फास्ट रखते हैं। तो उनका व्रत जो तोड़ा गया था, तो उस महिला ने या उस स्त्री ने बकरी के दूध से बनाई की थी खीर, बकरी के दूध से खीर बनाई थी। तो उसी से महात्मा बुद्ध ने अपना व्रत या फास्ट तोड़ा था। तो उसी कारण से आज बुद्ध पूर्णिमा, यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो सभी को प्रसाद में चावल से बनी खीर दी जाती है, चावल और दूध से बनी हुई खीर। तो ये कारण था इसके पीछे का। चलते हैं नेक्स्ट पे। 24 पर है भीम बेट का रॉक्स, या भीम बेट का की भीम बेट का रॉक या भीम बेट का रॉक्स कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसे 2003 में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा, मध्य प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये अब तो इनमें जगह बना दी गई है, मतलब लोग टूरिस्ट के लिए, कि आप आसानी से यहाँ घूम सकते हैं आसपास। बात करें इसकी, तो ऐसा मतलब मानते हैं हम वेदों वगैरह में, कि महाभारत के जो भीम थे, महाभारत के जो भीम थे उनके बैठने का स्थान हुआ करता था ये जगह जो है ना, ये उनके बैठने का स्थान हुआ करता था, इसलिए इसको भीम बेट का गुफा कहा गया है। और इस गुफा के अंदर जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर पुरा पाषाण काल की कुछ चित्रकारी मिलेगी आपको इसके अंदर। यहाँ पर अंदर जब जाएंगे, एंटर होंगे आप, तो यहाँ पर आपको कुछ पुरा पाषाण काल की चित्रकारी मिलेगी दीवारों पे, जो भीम बेट का चट्टान के लिए प्रसिद्ध दिखाती है तरीका, कहता मतलब इसी कारण से फेमस है ये, और यूनेस्को में शामिल की गई 2003 में, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 25 पे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब ये कौन नहीं जानता होगा, मुंबई का रेलवे स्टेशन हर कोई जानता है वो, ये महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। 2004 में शामिल किया गया, हालांकि इसका नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनल था, महारानी विक्टोरिया के नाम पे, महारानी विक्टोरिया के नाम पे, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इसका नाम महारानी विक्टोरिया टर्मिनल था, महारानी विक्टोरिया टर्मिनल ये इसका नाम था। लेकिन बाद में इसको नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या CST कर दिया गया। 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है ये। तो इस तरह से 2004 में दो चीज़ें शामिल हो गई, अभी होंगी सॉरी। तो 2003 में कौन कौन से शामिल हो गई, 2003 में एक ही चीज़ शामिल हुई है जो भीमबेटका थी। 2002 में महाबोधि मंदिर, सिर्फ एक ही प्लेस है, और माउंटेन रेलवेज 1999 में शामिल हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। 26 पे है पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, या पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। इसे यूनेस्को के द्वारा 2004 में शामिल किया गया, गुजरात में स्थित है ये। बात करें तो कुछ नहीं है, ये मुगलों का एक शहर था, यह है मुगलों का शहर हुआ करता था मुगल साम्राज्य के समय। आप देख पा रहे हैं ये फोटो में, ये एंट्रेंस गेट है, तो मुगलों का एक शहर हुआ करता था। और यहाँ पर भी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई की गई, या फिर यहाँ पर काफी मतलब रिसर्च की गई, तो यहाँ पर भी पाषाण युग के कुछ दस्तावेज मिले हैं, ठीक है। तो यही है पाषाण युग, यानी पाषाण युग अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो पाषाण युग होता है स्टोन एज, यानी जिस वक्त मनुष्य पत्थरों से काम लिया करता था, या पत्थरों के औजार इस्तेमाल किया करता था, या पत्थरों की चीजें इस्तेमाल किया करता था, उसे कहते हैं पाषाण युग या पाषाण काल या स्टोन एज। चलते हैं नेक्स्ट पे। 27 पर है लाल किला, ये भी हर कोई जानता होगा, दिल्ली में स्थित है, रेड फोर्ट। 2007 में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। बात करें इसकी, तो हर कोई जानता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब बात करता हूँ थोड़ी इसकी लाल किले की। तो हुआ ये था कि जो शाहजहां थे, क्योंकि हमें पता है मुगल साम्राज्य में शाहजहां जो हैं, इन्हीं के द्वारा सबसे ज़्यादा निर्माण करवाया गया इमारतों का। अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं कहूँ कि ये किस टाइम पीरियड में मुगल शासकों में किस टाइम पीरियड में वास्तुकला का काल कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को ही वास्तुकला का काल कहा जाता है,
क्योंकि इनके समय में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, आगरा के, और क्या कहते हैं, आगरा में किले हो गए, जितने भी और भी चीज़ें, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनवाई हैं, तो इनके समय में बनवाई, ताजमहल हो गया, सब चीज़ें इनमें इनके समय में बनी है। इसलिए आर्किटेक्चर जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है मुगलों में, तो वो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ है। बात करें तो शाहजहाँ ने ही इसका निर्माण करवाया दिल्ली में लाल किले का। ठीक है, हुआ क्या था, यहाँ ये जो पहले दिल्ली था, ये शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद कहलाता था पहले। तो शाहजहानाबाद जो है ना, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। हमें पता है दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, और इसी को पहले शाहजहानाबाद कहा जाता था। यहीं पर निर्माण करवाया गया था लाल किले का। ठीक है, अब लाल किले में जो आप देख रहे होंगे पत्थर जो लगवाया गया, आप गए होंगे कभी, हर कोई यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना गया हो, लेकिन जब आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे लाल पत्थर जो है ना, ये लाल पत्थर राजस्थान से मंगवाए जाते थे, राजस्थान से मकरान से मंगाए जाते, राजस्थान के मकरान से मंगाया। मकरान ये कोस्ट एक वो है, क्या कहते हैं, बंदरगाह कह सकते हैं आप, कोस्टल रीजन है, तो वहां से मंगाए जाते थे लाल पत्थर पत्थर जो थे। ठीक है, और इनको आगरा मंगवाते थे पहले, राजस्थान से आगरा आते थे, और आगरा से बाय यमुना, यानी यमुना के द्वारा दिल्ली में शाहजहानाबाद, क्योंकि तो दिल्ली में पुराना मतलब इसका शाहजहानाबाद था, क्योंकि तो शाहजहाँ के द्वारा जो एरिया बसाया गया उसे ही शाहजहानाबाद कहा गया। तो बाय यमुना, आगरा से बाय यमुना ये लोग पत्थरों को दिल्ली लाया करते थे, यानी शाहजहानाबाद लाया करते थे। और हमें पता ही है कि इसको इसका निर्माण 1638 से 1648 के बीच कर दिया गया था। 10 साल लगभग लगभग लगे थे इसके निर्माण में। और इसके आर्किटेक्चर सबको पता है, अहमद लाहौरी, लाल किले का निर्माण अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया। और इसमें एक एक बात करें तो इसमें देखो भारतीय हो गया, तैमूरी और फारसी और अरबी, चार शैली बनाई गई है इसमें। देखो भारतीय शैली, अरबी शैली, तैमूरी शैली और अपना क्या हो गया, अरबी फारसी, फारसी हो गई एक फारसी शैली, ये चार शैली इसमें आपको दिख जाएंगी अंदर, जिनसे ये लाल किले का निर्माण करवाया गया है। बात करें तो इसमें मोती मस्जिद भी है लाल किले में, और बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे आराम, ओ दीवाने खास, दीवाने आम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि ये चीज़ें आगरा के लाल किले में भी हैं। उससे एक ये जो बता रहा हूँ मैं आपको मोती मस्जिद, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका निर्माण जो है शाहजहाँ ने नहीं करवाया, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि एग्जामिनर वैसे चीज़ पूछेगा जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हाफ हाई हो चुका है इस वक्त। तो मोती मस्जिद है इसके अंदर, मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये एक यूनिक है इसमें, मतलब सब चीज शाहजहाँ ने निर्माण करवाया लेकिन मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये शाहजहाँबाद है, अगर मैं बार बार नाम दे रहा था शाहजहाँबाद, ये आज की पुरानी दिल्ली है, जिसे हम कहते हैं ना पुरानी दिल्ली चलो, या ओल्ड दिल्ली, वो शाहजहाँबाद ही है। उस वक्त वो शाहजहाँबाद हुआ करती थी, लेकिन आज वो पुरानी दिल्ली कहते हैं उस लोगों उसको हम। ठीक है, तो यही है। और इसके पास जितना भी मैं अगर बोलूँ तो कश्मीरी गेट हो गया, दिल्ली गेट हो गया, ये सब जितना भी है ना, ये सब शाहजहाँबाद है। दिल्ली गेट आप जाएंगे ना, कश्मीरी गेट हम जाते हैं, मेट्रो स्टेशन वगैरह जो भी है, ये सब जितना भी था ये सब शाहजहाँबाद था। और सबका निर्माण मैंने बोला शाहजहाँबाद है, क्यों, क्योंकि शाहजहाँ ने निर्माण करवाया था इस शहर का। चलते हैं नेक्स्ट पे, 28 पर है जंतर मंतर। 28 पे क्या है, जंतर मंतर 2010 में शामिल किया गया यूनेस्को में, जयपुर राजस्थान में है। देखो जंतर मंतर दिल्ली में भी है और आपको राजस्थान में भी है और कई अन्य जगह पर भी है, तो जंतर मंतर में ऐसे कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। हालांकि इनका निर्माण एक ही बंदे के द्वारा करवाया गया, वो है महाराजा जयसिंह, जयसिंह सेकंड के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया, जो जयपुर के राजा थे या महाराजा थे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 2010 में शामिल किया गया, जयपुर राजस्थान में स्थित है। और अगर बात करें तो है क्या, ये आप देख रहे होंगे फोटो में, ये क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरीके से कह सकते हो आप, सन क्लॉक है या सूर्य घड़ी है। ठीक है, तो बस, और जयपुर जयपुर के राजा जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जय जयसिंह द्वितीय या सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जयसिंह अगर बात करें तो उन्होंने बहुत चीजें करवाई हैं, डैम्स बनवाए उन्होंने काफी ज्यादा,
हर चीज इन्होंने मतलब कि कह सकते हो आप, खगोल शास्त्री भी कहते हैं इन्हें, ये खगोल शास्त्री भी थे, खगोल शास्त्री बहुत बड़े खगोल शास्त्री माने जाते हैं, काफी पढ़ाई करी थी इन्होंने तो बस। और इन्हीं के जयसिंह के नाम पर ही जयपुर का नाम, जयपुर का नाम जो पड़ा है, जयपुर का जो नाम पड़ा है वो जयसिंह के नाम पर ही पड़ा है, एक ये बात और है। ठीक है, तो ये था जंतर मंतर, जयपुर राजस्थान में स्थित है, 2010 में शामिल किया गया यूनेस्को में। चलते हैं नेक्स्ट 29 पे। 29 पर है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट हमें पता है कि अरब सागर से लगा हुआ जो कोस्टल रीजन है वो वेस्टर्न घाट में आता है। 2012 में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। अब वेस्टर्न घाट में देखो कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, चार राज्य आ रहे हैं, हालांकि गोवा भी आता है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इस तरह से है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ है ये, ऊपर से नीचे की तरफ है ये, पहले महाराष्ट्र आ गया, फिर कर्नाटका, सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु सही है, क्योंकि तमिलनाडु का कुछ भाग इधर ही पड़ता है, कुछ भाग उसका ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो यही है वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, और 2012 में शामिल किया गया। अगर बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में अगर हम बात करूँ 10 सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की, तो उसमें से इन पश्चिमी घाट को भी गिना जाता है, क्योंकि यहाँ देखो नेशनल पार्क मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, ठीक है, नेशनल पार्क मिलेंगे आपको, बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे और रिजर्व फॉरेस्ट भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये था वेस्टर्न घाट। चलते हैं नेक्स्ट पे और आखिरी पे, 30 नंबर पर है माउंटेन्स फोर्ट या पहाड़ी किले। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 किले हैं, पहले रुक जाए, 2013 में शामिल किया गया, ठीक है, राजस्थान में स्थित है, 2013 में शामिल किया गया, राजस्थान में स्थित है। अब यहाँ पर 6 किले हैं जो शामिल किए गए हैं इन माउंटेन फोर्ट्स में। ये सारे किले का निर्माण राजपूत शासकों के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं राजस्थान में राजपूत शासकों का ही शासन कर रहा है, यानी उन्होंने ही शासन कराया राजस्थान में। अब ये 6 जो किले हैं कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, रणथंबर फोर्ट, अंबर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और अपना गागरन फोर्ट, गागरन फोर्ट। ये 6 किले हैं जो ये अपना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं, और इन सबको एक साथ मिला करके ही क्या बोला गया है, माउंटेन्स फोर्ट। राजपूत शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था, और अंबर को ही आमेर का किला भी कहते हैं। एक और बात बता दूं, आमेर का किला और अंबर का किला एक ही बात है। ठीक है, तो कौन कौन से किले हो गए एक बार फटाफट दोबारा देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट, अंबर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और गागरौन फोर्ट। ठीक है, 6 किले हैं, इन सभी को शामिल किया गया था। अब आप देख पा रहे होंगे काफी हाइट पर हैं, ये हाइट इसलिए होती थी क्योंकि राजपूत शासक अपने आप को सेफ्टी रखने के लिए, अपने प्रजा की सेफ्टी रखने के लिए इतनी ऊंचाई पर निर्माण करवाते थे इनका, कि कोई अन्य आक्रमणकारी इनको आसानी से पराजित ना कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी जब आएगा यहाँ पर तो वो भी थक जाएगा काफी, जब वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण करेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने 30 कवर कर ली है इसमें, पार्ट फोर हम नेक्स्ट में पार्ट में कवर कर लेंगे, इस तरह से हमारा आखिरी पार्ट है ये पार्ट फोर। तो हमने जो देखे अभी, जितने हम 10 साइट्स देखे उन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में 1993 में शामिल किया गया। 22 पर था माउंटेन रेलवेज, 1999 में शामिल किया गया, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु के। महाबोधि टेम्पल 2002 बिहार गया। भीमबेटका गुफा या वो भीमबेटका रॉक्स मध्य प्रदेश 2003। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 मुंबई महाराष्ट्र। और पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 गुजरात। लाल किला या रेड फोर्ट 2007 दिल्ली। जंतर मंतर 2010 जयपुर राजस्थान। पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट 2012 में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। और 30 नंबर पर है और आखिरी माउंटेन फोर्ट्स राजस्थान के 2013 में शामिल किए गए कौन कौन से थे, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, अंबर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और गागरौन। ये 6 किले शामिल किए गए, इनके निर्माणकर्ता कौन थे, तो राजपूत शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया। और क्यों, क्योंकि अपनी प्रजा की और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये थे जो हमने कवर करे, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, और अच्छे से आप रिवाइज करेंगे तो एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस इससे कम होते हैं।
क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है ये, तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं, चाहे वो यूपीएसआई के एग्जाम हो जो आने वाले हैं, डीएसएसबी के एग्जाम हो जो आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम, चाहे जितने भी आप एग्जाम ले लें, चाहे वो एसएससी के सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गए, एमटीएस हो गए, सीपीओ हो गए एंड अदर एग्जाम्स। तो थैंक यू सो मच।